कस्टमर के लिए बेस्ट ऑफर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आपको वीडियो चल रहा है उसमें एक कोड छुपा हुआ है, उसको ढूंढ के आपको स्क्रीनशॉट निकाल के हमें जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। उसके बाद आपको जो ऑफर मिलने वाला है 1000 रुपीज से लेके आपको 1 लाख तक का ऑफर रहने वाला है। कॉमर्शियल में आप 1000 रुपीज से लेके आप 10,000 तक कमा सकते हैं। अच्छा, पर घंटे का बोल रहा हूँ। ठीक है, और डेली का आप गिना जाए तो 20,000 से लेकर 30,000 भी कमा सकते हैं, डिपेंड करेगा। दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर से एक शानदार वीडियो में। आज के वीडियो में आपको एक ऐसी छोटी सी मशीन दिखाने वाला हूं जिसकी सहायता से आप 1, 2, 3, 4 या फिर 5 बिजनेस नहीं, पूरे 10 से भी ज्यादा बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इस तरह की मशीन खरीदते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल जाती है। तो आखिर ये कौन सी मशीन है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे पैकेजिंग होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, मार्केट में कितने का जाएगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी यानी कि छूट मिलती है इस मशीन को खरीदने पर? सर बहुत अच्छी स्कीम रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री योजना रहती है, सेंट्रल की तरफ से रहती है और राज्य कक्षा की ओर से भी ऑफर रहती है। बहुत अच्छी स्कीम रहती है। अच्छा। आप बैंक में अपनी बैंक जो नजदीक की बैंक है वहाँ पे जाके आप कोटेशन, हमारा जो कोटेशन हम देंगे वो आप बैंक में सबमिट करोगे तो 35% से लेके 50% तक सब्सिडी में मिलती है सर। पहले तो हम आपको सब हेल्प करेंगे, आपको आपका जैसे कि आपके पास कुछ है नहीं ब्रांडिंग के लिए, पहले तो रहता है आपका GST रहता है, FSSAI लाइसेंस रहता है, गुमस्तरा लाइसेंस रहता है, वो सब लाइसेंस के लिए अभी हम आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको मार्केट कहाँ से लेना है, कैसे ढूंढना है, कैसे कमाना है, वो भी हम आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी हेल्प चाहिए जैसे कि पोर्टल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसकी कोई आपको जानकारी नहीं वो भी हम करेंगे। आपका लेबलिंग के लिए आपको कुछ जानकारी तो वो भी हम आपको हेल्प करेंगे, सब हेल्प करेंगे। लेकिन पहले आपको मशीन बुक करना रहेगा कि जो मशीनें हैं वो किस कैटेगरी में होती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, किस तरह की बनाते हैं? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास डोमेस्टिक जो घर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है 12,500 से लेके डोमेस्टिक में 40,000 तक की मशीन अवेलेबल रहती है। उसके बाद कॉमर्शियल में हमारे पास जो मिनी कॉमर्शियल मशीन रहती है उसमें हमारे पास 40,000 से लेके रहता है 2,50,000 तक। अच्छा, वो मिनी कॉमर्शियल रहती है, उससे भी हैवी में रहते हैं वो 2,50,000 से लेके हमारे पास रहते हैं 16,00,000 तक। पहले हम डोमेस्टिक में देखते हैं 400 वोल्ट का है वो, आप देखते हैं 3 से 5 KG कैपेसिटी है सर ये मशीन, पर घंटे के हिसाब से 3 से 5 KG प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन कर देती है सर। सारे ऑयल निकल जाते हैं 100% सर, जो ऑयली सीड है सभी का ऑयल निकल जाता है सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 750 वोल्ट में है, उसमें है कैपेसिटी 6 से 7 KG पर घंटे के हिसाब से। ठीक है, ये भी सेम मॉडल में डिफरेंट क्वालिटी है, बाकी सबसे 6 से 7 KG पर घंटे की कैपेसिटी है और सभी ऑयल मटेरियल का क्रशिंग कर देता है सर। ठीक है, ये 1000 वोल्ट का है सर, उसमें 8 से 10 KG की पर घंटे की कैपेसिटी है और रोटेट सिस्टम है, अलग अलग डिफरेंट सिस्टम है। आप देखिए ये जो सिस्टम है, बूस्टर सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोलर, ऑयल टेम्परेचर सिस्टम है, वो सब सिस्टम है सर। उसके बाद हम देखते हैं 1200 वोल्ट का, 1200 वोल्ट का मशीन है, इसकी कैपेसिटी है 10 से 12 KG पर घंटे की कैपेसिटी है सर। 1 HP की मोटर रहती है और सभी सीड का ऑयल निकाल देती है सर। उसके बाद 1500 वोल्ट है, उसकी क्रशिंग कैपेसिटी है 12 से 15 KG और 1 HP की मोटर है और सभी सीड्स का ऑयल निकाल देती है सर। देखिए सर, हमने 2000 वोल्ट की मशीन लगाई है, इसमें अपने मस्टर्ड का ऑयल निकाल रहे हैं और ऑयल जो निकल रहा है आप देखिए एकदम कोल्ड वाला ऑयल निकल रहा है और खली भी आप देखिए। इसके बाद हम देखते हैं फिल्टर के साथ अटैच किया हुआ जो सेपरेट फिल्टर भी अलग हो जाता है और साथ में लगाना तो भी हो जाते हैं। तो 2500 वोल्ट का 2 HP का मशीन है, इसका क्रशिंग कैपेसिटी 22 से 25 KG पर घंटे की कैपेसिटी है। उसके बाद हम देखते हैं 50 KG का पर घंटे की कैपेसिटी वाला जो रोबोट सिस्टम वाला है, आप देखिए इसका यूनिक मॉडल है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का हम क्रशिंग कर सकते हैं, 40 किलो से 50 किलो के पर घंटे की कैपेसिटी है सर। और इसके बाद है 50 KG डिफरेंट मॉडल है और इसके भी 40 से 50 केजी पर घंटे की कैपेसिटी है सर। ऑयल फिल्टर भी, ऑयल भी आपने देखा एकदम नेचुरल ऑयल निकल रहा है, एक बार और सारा क्रश हो जाता है या यस सर, 100% 5 to 6% ऑयल खली में रहता है, बाकी सब छोड़ के निकाल देते हैं। तो ये कोल्ड प्रेस है या फिर हीट प्रेस है? कोल्ड प्रेस भी बोला जाता है, हीट प्रेस भी बोला जाता है, डिपेंड करेगा कस्टमर के ऊपर। टेम्परेचर कंट्रोल बंद कर दोगे तो आपको कोल्ड प्रेस निकल देगा। ये 2-in-1 वाला मशीन है, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग है सर। और इसकी खासियत यह कि 3 HP में मल्टी सीड ऑयल निकाल देता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि फ्लेक्स सीड है, एक में फ्लेक्स सीड डाल दो, एक में सेफ फ्लेवर डाल दो, एक में मस्टर्ड डाल दो, एक में दूसरा कोई मूंगफली डाल दो,
टू इन वन मटेरियल एक साथ निकलता है सर, एक साथ दो 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 मटेरियल का एक साथ ही ऑयल निकलता है। तो क्या मोटर दो रहती है इसमें? एक ही मोटर में पावर सेवर हो गया, सिंगल टाइम में क्रशिंग हो गया, 95% ऑयल का रेशियो रहता है और 3 HP मोटर रहता है सर, 80 से 100 KG पर घंटे की कैपेसिटी है सर। अभी आप देखिए सर, ये मशीन हमने चलाया है, कितना बढ़िया ऑयल निकल रहा है, खली कैसे निकल रहा है, आपने सब देख रहे हैं। तो उसके बाद हम लाइव में देखेंगे अभी जो ऑयल फिल्टर है वो कैसे वर्क करता है। 12 प्लेट का ये फिल्टर मशीन है, इसमें जो ऑयल फिल्टर हो रहा है आप देखिए, एकदम क्लीन वाला ऑयल निकल रहा है, और साइड में आप देख रहे हैं कि ऑयल भी निकल रहा है एकदम, वो बाल्टी भर रही है, पंप भी चालू है सर, एकदम क्लीन ऑयल फिल्टर हो रहा है। ये देखिए सर, अभी हमने ऑयल फिल्टर किया है, एकदम फिल्टर है, एकदम नेचुरल फिल्टर ऑयल है और एकदम गाढ़ा वाला ऑयल है। आप देखिए इसकी जो थिकनेस है वो देखिए आप, अपने ब्रांड से लोग जो कस्टमर रहेंगे वो ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल आउट करते हैं। कि मशीन कोई खरीद लेता है तो इससे कितने तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं? सर आप सामने देख ही रहे हो, सभी जो 22 ऑयली सीड रहते हैं उस सभी के ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे कि शीशम है, काला तिल है, ब्लैक मस्टर्ड है, आलमंड्स है, मूंगफली है, कोकोनट है, फ्लैक्सीड है, सोयाबीन है, काफ़ी सारे और सेफ्लावर रहते हैं जो कर्डी बोलते हैं, इसे काफ़ी सारे जो ऑयली सीड रहते हैं वो सभी का ऑयल निकाल सकते हैं। बिजनेस को करने के लिए जो स्पेस होता है, जगह, वो कितनी चाहिए रहती है? सर आप डोमेस्टिक में आप चालू कर रहे हैं तो घर से आप चालू करके कोई जगह के रिक्वायरमेंट है, 3x3 फुट की एरिया रहेगा तो उसमें आप चालू कर सकते हैं। बाकी बड़ा बिजनेस करना है तो आपको आपके 10x10 की रूम से भी आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, शॉप से चालू कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा वाला धंधा रहता है। जैसे कि डोमेस्टिक में आप डेली का 300 से लेके 500 तक कमा सकते हैं, कमर्शियल में आप 1000 रुपीज से लेके आप 10,000 तक कमा सकते हैं। अच्छा, पर घंटे का बोल रहा हूँ, ठीक है। और डेली का आप गिना जाए तो 20,000 से लेके 30,000 भी कमा सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। डेली का 20 से 30,000 भी कमाया जा सकता है आपको, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, कौन सा मशीन ले रहे हैं और कितना आपका बजट है, कैसे करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताइए, क्योंकि कनेक्शन उनको लेना पड़ेगा, एक तो कौन सा लेना पड़ेगा उनको, किस तरह? डोमेस्टिक में तो घर की बिजली से ही चल जाता है और कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, एक बंदे की रिक्वायरमेंट, मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो रहता है कॉमर्शियल लेते हैं तो 3 फेज का आपको चाहिए तो 3 फेज भी मशीन मिल जाते हैं और सिंगल फेज भी मिल जाते हैं, डिपेंड करेगा कस्टमर के ऊपर कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम मशीन बना के आप मार्केट में देते हैं। अच्छा। वो बोले कि सर मुझे इस तरह से चाहिए तो उसका ऑर्डर थोड़ा क्वांटिटी में रहता है, क्योंकि हम डिजाइन बनाते हैं वो सब करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से इन्फॉर्म करना रहता है सर। ठीक है, अभी हम सर बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। तो जैसे कि आपने अभी बताया था कि अलग अलग तरह की मशीनें हैं आपके पास, तो मुझे एक एक करके सबका प्रोडक्शन बता दीजिए कि पर घंटे में या फिर पर डे में कितना प्रोडक्शन होता है। डोमेस्टिक में जो हमारा कैपेसिटी रहता है मशीन का, 3 KG से लेके आप 8 KG तक पर घंटे के हिसाब से मटेरियल क्रशिंग कर सकते हैं, जब ऑयल नहीं बोल रहा हूँ, मटेरियल बोल रहा हूँ, सीड्स। और मिनी कॉमर्शियल में आप 10 KG से लेके आप 100 KG तक मटेरियल पर घंटे के हिसाब से क्रश कर सकते हैं। उसके बाद रहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल जो मशीन है, उसमें आप 50 KG से लेके 800 KG पर घंटे के हिसाब से वो सब मशीन अवेलेबल है। अच्छा, तो जो उसमें वेस्ट निकलता है या फिर उसको खली कहते हैं, तो उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सर सबसे बढ़िया तो ये कस्टमर के लिए ये फायदा ये है कि ये जो आप बिजनेस करोगे तो उसमें 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस है। जैसे कि आप ऑयल भी बेच सकते हो, खली है तो मार्केट में बिकती है, जैसे कि जो पशुपालन करते हैं वो भी लेके जाते हैं, 25 रुपये से लेके 50 रुपये पर केजी के हिसाब से देने वाले लोग हैं। मार्केट सर्वे करना रहता है, ढूंढना रहता है, तो सब कुछ आसान है और सब कस्टमर को ये जो आप खली बीज निकलती है ना, उसका मार्केट बहुत बड़ा है। बिल्कुल, कस्टमर को पता नहीं रहता है कि कहाँ जाए, जैसे कि कोकोनट वगैरह के और बादाम वगैरह से तो कई मैंने डिशें भी बनती हुई देखी है। सर आलमंड्स का तो आप घर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसको आप आलमंड्स का जो पाउडर बना के पिला सकते हो, पीनट के और जो उसकी खली बनती है तो उसका जो बोलते हैं कि अलग अलग आइटम जो बेकरी आइटम रहती है वो भी बना के आप 500 रुपया 600 रुपया आपके डिपेंड करेगा, आपके हिसाब से बेच सकते हो तो वो भी आपका कवर हो जाता है। मस्टर्ड का जो आपको खली बचता है तो उसका आप जो पौधा रहता है नर्सरी में आप यूज कर सकते हो खातर की तरह, और डिफरेंट डिफरेंट जो सोयाबीन रहता है उसका आप प्रोटीन के तरह यूज कर सकते हो, जो शीशम रहता है उसका खली का आप जो आप सानी मिलते है सीजन में तो वो आप कर सकते हो। सभी का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है, 100% यूज होता है, बेकरी में भी यूज होता है, फरसान में भी यूज होता है, चटनी भी बना सकते हैं, अच्छे दाम में बिकती है
अच्छा टेस्ट भी रहता है, कोकोनट की जो चटनी बनती है वो उसका भी अच्छा दाम रहता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट जो 100% यूज होता है, ऑयल भी बिकता है। और ऑयल का मार्केट तो सर इतना बड़ा है कि आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उसके बाद स्नैपडील है, बहुत सारे पोर्टल है, जियो मार्ट है, सभी जगह आप बेच सकते हो। आप आपका मार्केट बड़ा बनाना है तो आप अपनी ब्रांड से भी आपका खुद का जो है ना वो सेटअप कर सकते हो, और जीरो से जो आत्मनिर्भर बन सकता है सर, घर पे रह के बंदा है ना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो ये मार्केट इतना बड़ा है सर। बिल्कुल। हमें पैक कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हमारा जो मशीन रहता है वो मशीन में ऑयल निकल गया, फिल्टर भी हमारे पास सारे बहुत सारी वेरायटी में अवेलेबल है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और आपको ऑयल निकला, फिल्टर हो गया, सडनली बोतल में पैक किया, लेबल लगाया अपनी ब्रांड का और मार्केट में सेल करने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, जो लेबल होता है और जो बोतल होती है वो लोग कहाँ से अरेंज करें? क्या आपका कोई गाइडेंस रहता है? वो भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। आप फिलिंग मशीन है, ऑयल पैकेजिंग मशीन है, वो भी आपको मिल जाएगी, ऑयल फिल्टर मशीन है, वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, सभी मिल जाएगी। तो इसमें जो मार्जिन रहता है वो कितना रहता है लोगों को, पर केजी पे या पर लीटर पे? सर आप जो मार्जिन की बात कर रहे हो तो आप जो पर घंटे के हिसाब से कॉस्टिंग निकालो तो पर घंटे के डोमेस्टिक मशीन जो है तो आपको 3 किलो पकड़ लो। अच्छा। पर घंटे के हिसाब से 3 किलो मटेरियल क्रशिंग किया और 3 घंटे में आपने 10 किलो मटेरियल क्रशिंग कर दिया तो 10 केजी मटेरियल का आपने 10 रुपये के हिसाब से मार्केट से रेट लेता है पर केजी के हिसाब से। ठीक है। वो 100 रुपया ले लिया और यूनिट कितना गया, 2.5 घंटे या 3 घंटे का एक यूनिट जाता है तो 8 रुपये का कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद मैन पावर का कॉस्टिंग पकड़ लो 2 से 3 रुपया, उसके बाद आपका कुछ मेंटेनेंस का खर्चा पकड़ लो 15 रुपये का कॉस्टिंग अराउंड हो गया डोमेस्टिक में, और आपको 85 रुपये से 80 रुपये पर घंटे के हिसाब से आप घर में लेके जा सकते हो सर। बिल्कुल। और कॉमर्शियल में आप जाओगे तो आप 1000 रुपीज तक पर घंटे का आप निकाल सकते पर घंटे का, यानी कि दिन की बात करें तो 15-20 हज़ार रुपए तक कमा सकते हैं आराम से। तो सर जब भी ऑयल बन जाता है पैक भी कर लेते हैं जैसे कि आपने बताया आपकी पूरी उनके लिए हेल्प हो जाती है, तो इनको कहां और कैसे सेल करेंगे लोग? सही बात, आप जो ये ऑयल निकाल रहे हो ऑयल को आपने पैकिंग किया मार्केट में रखा, 50 ग्राम से लेके 5 लीटर 15 लीटर तक ऑनलाइन मार्केट में बिकता है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, जियो मार्ट है, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल है। और अब बल्क में बेचना है तो उसके लिए आप इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल है, गूगल से, आप कहीं से भी आप बल्क में ऑर्डर ले सकते हो। और उससे बड़ा भी मार्केट आपको कवर करना है तो इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे कि अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, वो सभी जगह आप बेच सकते हो और मार्केट कवर कर सकते हो सर। इंटरनेशनल भी अपना ब्रांड बना सकते हो सर। इसकी सेल्फ लाइफ के बारे में बताइए कि बनने के बाद कब तक ये सही रहता है, खाने योग्य रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। देखो ये ऑयल निकल गया तो उसके बाद क्या रहता है, काफी सारे कस्टमर फिल्टर विदाउट फिल्टर के भी मार्केट में सेल करते हैं। ये कैसे होता है, मशीन में से ऑयल निकल गया, 2 दिन आपने स्टे किया ऑयल को, रख दिया तो उसका क्या रहता है, ऑयल फिल्टर हो जाता है, नेचुरली फिल्टर बोलते हैं उसको, जो बिना फिल्टर किए वो भी होता है। तो उसके लिए आपको क्या रहता है, जो कुचा रहता है, जो वेस्टेड रहता है वो नीचे बैठ जाता है, तो उससे ऑयल को अलग करना रहता है 2 से 3 दिन में। वो अलग करके आप नेचुरली फिल्टर भी है मार्केट में बेच सकते हो। और दूसरा है, आपने ऑयल फिल्टर कर लिया उसके बाद उसकी जो लाइफ रहती है आप 9 महीना से लेकर 12 महीना तक आप उसको रख सकते हो और कुछ होता नहीं, नेचुरली ऑयल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है और हेल्थी रहता है सर। अगर आपसे कोई मशीन खरीदना चाहता है तो प्रोसेस क्या रहेगा? सर हमारा कैश ऑन डिलीवरी, डोमेस्टिक मशीन में कैश ऑन डिलीवरी का भी सिस्टम है, मिनी कॉमर्शियल तक कम कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम रहता है, लेकिन उसके लिए बुकिंग कंपलसरी रहता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का वो जो चार्जेस लगता है, तो उसके लिए पहले हम बुकिंग अमाउंट लेते हैं। बुकिंग अमाउंट कितना लेते हैं आप? 20% या 10% से स्टार्ट होता है, डिपेंड करेगा कौन सा मशीन टू मशीन वेरी करता है। तो 10% से 20% हम बुकिंग अमाउंट लेके बाकी कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है सर। अच्छा। हमारे पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, मशीन का जो प्राइस है वो एक बार बता दीजिए। सर डोमेस्टिक में 12,500 से स्टार्ट होके आपको 40,000 तक रेंज रहता है, और मिनी कॉमर्शियल में हमारे पास 1200 वोल्ट से लेके 5500 वोल्ट तक उसका रेंज रहता है, 40,000 से लेके आपका रहेगा 2.5 लाख तक। ठीक है, तो आपकी मशीनों पे कोई गारंटी या वारंटी भी मिलती है? डोमेस्टिक में सब हम 2.5 साल की वारंटी गारंटी देते हैं, और मिनी कॉमर्शियल में हमारा कॉमर्शियल में हमारा 1 ईयर का वारंटी गारंटी रहता है। अगर आपको कोई डीलरशिप लेना चाहता है तो आप डीलरशिप भी देते हो मशीन करने के लिए? सूरत गुजरात बेस्ड हमारी कंपनी है, हमारा जो सरथाना जकातना का 5-6 पंचवटी सोसाइटी के नियर हमारा ये ऑफिस है, फैक्ट्री, आप आके कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑयल का काम काफी प्रॉफिटेबल काम है, आप एक साथ एक ही मशीन से 10 से भी ज्यादा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अलग अलग तरह के सीट के साथ ऑयल निकाल के मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, और जो वेस्ट बचता है
उसको भी आप बेच सकते हैं मार्केट में, उससे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। तो दोस्तों, वैसे तो आज के वीडियो में हमने आपको ऑयल बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी हमसे मिस हुई है या फिर आपके मन में कोई सवाल है या फिर सुझाव है, तो नंबर हमने वीडियो की स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप जब भी उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।